अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है गुफ्तगु, और एक है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मेरा सफ़र। सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट बोथ चैप्टर कम्प्लीटली। सो एक्साइटमेंट के साथ, पूरी रुचि के साथ आप लोग चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के कहकश बुक का चैप्टर नंबर जो 12 और 13 है, ये दोनों चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो दोनों चैप्टर है ना, वो नज़्म है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कविता। हिंदी में इसको कविता कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोएम, और उर्दू में नज़्म कहते हैं। तो यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट। ओके, आप इसको कविता भी कह सकते हैं, पोएम भी कह सकते हैं, नज़्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों चैप्टर है, गुफ्तगु और मेरा सफ़र, ये दोनों चैप्टर कौन सी नज़्म है? तो ये है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म का क्या मतलब? आज़ाद नज़्म का मतलब होता है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, वैसा नज़्म जिस पर कोई पाबंदी नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं हो। मतलब पाबंदी मतलब कैसी पाबंदी? मतलब वो कितना भी लंबा नज़्म हो सकता है, ठीक है, और उसमें रदीफ़ और काफिया का कोई भी रोक टोक नहीं होता है कि रदीफ़ और काफिया होना चाहिए, इतना मिसरा होना चाहिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं होती है उस नज़्म में। तो उस नज़्म को बोला जाता है वो आज़ाद नज़्म है। तो ये जो दोनों नज़्म है ना, ये दोनों आज़ाद नज़्म है, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर के राइटर भी एक ही हैं, यानी कि मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी, ठीक है, अली सरदार जाफरी। ये जो है ना, गुफ्तगु नाम के नज़्म को इन्होंने ही लिखा है, और मेरा सफ़र नाम के इस नज़्म को भी इन्होंने ही लिखा है। इसीलिए इन दोनों चैप्टर के राइटर एक ही हैं, अली सरदार जाफरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ यानी कि अली सरदार जाफरी के बारे में समझेंगे, फिर हम इन दोनों चैप्टर को समझेंगे, और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन आंसर के साथ इस वीडियो को और इस दोनों चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में समझिए। अली सरदार जाफरी की पैदाइश यानी कि उनका जन्म 29 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ है, ठीक है, और तरक्की पसंद तहरीक में उन्हें शुमार किया जाता है। अली सरदार जाफरी को ना तरक्की पसंद तहरीक में शामिल किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तरक्की पसंद तहरीक क्या है? तो देखिए, ये जिस तरह आंदोलन होता है ना, उसी तरीके का ये आंदोलन है, तरक्की पसंद आंदोलन, ठीक है। और ये आंदोलन हुआ था शायद मेरे हिसाब से 1936 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो तरक्की पसंद आंदोलन हुआ था, इसमें गरीबों को अपना हक दिलाना, ठीक है, और एक तरह से अदब को अपनी असली अहमियत हासिल करवाना, ठीक है, और जो लोगों के बीच असमानता भेदभाव था उसको ख़त्म करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरक्की पसंद आंदोलन का मुद्दा था। तो उस तरक्की पसंद तहरीक में जो है ना, अली सरदार जाफरी भी शामिल थे, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी तरक्की पसंद तहरीक के नाम से, उस वक्त जब ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। अब देखिए, लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी अदारों में तालीम मुकम्मल की, ठीक है। अली सरदार जो जाफरी हैं, वो लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़, ये तीन जगह के स्कूल कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं, ठीक है, तीन जगह के स्कूल से। आगे देखिए, गुफ्तगु नाम से एक रिसाला भी निकाला है। गुफ्तगु नाम का जो पत्रिका है, आप बोल सकते हैं, उसको अली सरदार जाफरी जो हैं वो निकाले हैं, ठीक है, शाये किए हैं। अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत अफसाना निगारी से की, और पहला अफसाना मजमूआ मंजिल 1938 ईस्वी में शाई हुआ। देखिए, अली सरदार जाफरी का जो मतलब वो अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत अफसाना निगारी से की है, मतलब वो सबसे पहले अफसाना लिखा करते थे, कहानी, पहले पहल वो कहानी लिखा करते थे, अफसाना निगारी किए हैं। और उनका जो सबसे पहला अफसाना का किताब यानि कि कहानी का किताब है, जिसका नाम है मंजिल, वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है, शाये हुआ। आगे देखिए, इनकी शेरी मजमू यानी कि शायरी का किताब आप लोगों के बुक में दिया गया है, मैं सबका नाम लिख दी हूँ। जैसे कि देखिए, परवाज नाम का ये शायरी का किताब है, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। खून की लकीर, ये भी शायरी का किताब है, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। उसी तरह ये पत्थर की दीवार 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये ख्वाब, और ये भी इनका शायरी का किताब है। अब देखिए, इनकी कुछ तवील नज़में भी हैं। तवील नज़में का मतलब क्या? वैसा नज़्म, वैसा कविता जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो, लंबा कविता को बोला जाता है तवील नज़्म, ठीक है। तो देखिए, एशिया जाग उठा 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि तवील नज़्म है। एक है नई दुनिया को सलाम, ये भी इनकी तवील नज़्म है, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे देखिए, तनकीदी किताबें। तनकीद का मतलब मैं आप लोगों को बार बार बताई हूँ, तनकीद का मतलब होता है सही और गलत की जाँच परख करना,
ठीक है, आप कुछ लिख रहे हैं उसमें सही और गलत की, मतलब ऐसा कुछ लिखें जिससे मालूम चल जाए कि क्या सही और क्या गलत है, उसको तनकीद बोला जाता है, ठीक है, और मतलब लिखने को तनकीद निगारी कहते हैं। तो इनकी तनकीदी किताबें भी हैं, जैसे कि देखिए लखनऊ की पाँच रातें, ठीक है, अकबाल शनासी, ये इनकी तनकीदी किताबें हैं। आगे देखिए पद्मश्री अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे अहम अवार्ड से नवाजे गए। अली सरदार जाफरी जो हैं वो, उनको पद्मश्री अवार्ड, भारत ज्ञानपीठ अवार्ड और भी बहुत सारे अहम अहम अवार्ड मिला है इनको, लेकिन मैं यहाँ पर दो ही अवार्ड जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए मैं यहाँ पर दो ही अवार्ड का नाम लिखी हूँ। पद्मश्री अवार्ड उनको 1967 ईस्वी में मिला और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड उनको 1997 ईस्वी में मिला, ठीक है। और आखिर में अली सरदार जाफरी का जो है ना इंतकाल 1 अगस्त 2000 को हो गया, ठीक है, यानी कि उनका जो इंतकाल, उनकी मौत हुई 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को, कब, 2000 में, ठीक है, 2000 साल में। तो ये हो गया अली सरदार जाफरी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। हम इन दोनों चैप्टर को एक एक कर समझेंगे, मैं दोनों नज्म का कविता का खुलासा करूंगी। पहले ले लीजिए यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट। अब चलिए जरा इस चैप्टर को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गुफ्तगु चैप्टर का, इस नज्म का खुलासा कर देती हूँ। देखिए ये गुफ्तगु नाम का जो नज्म है, कविता है, इस कविता को मतलब हिंदू पाक की दोस्ती के नाम किया गया है। अली सरदार जाफरी जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम ये नज्म यानी कि कविता लिखे हैं जिसका नाम है गुफ्तगु। और अली सरदार जाफरी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, जो कशीदगी है, उसको गुफ्तगु के ज़रिए यानी कि कन्वर्सेशन के ज़रिए ख़त्म किया जाए। अली सरदार जाफरी को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, जो कशीदगी है, मतलब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक जगह पर मिलेंगे और उनके बीच कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी, गुफ्तगु होगी, तो उसके ज़रिए से, मतलब ऐसा लगता है मुसन्निफ़ को यानी कि अली सरदार जाफरी को, कि उनके बीच की दुश्मनी ख़त्म हो सकती है और फिर से दोस्ती हो सकती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गुफ्तगु नाम के नज़्म में ये अली सरदार जाफरी जो है वो बताए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखे हैं अली सरदार जाफरी इस नज़्म में। देखिए वो पहले लिखे हैं कि गुफ्तगु बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई या तारों भरी रात चले। देखिए ये पहले बंद में ये बोल रहे हैं कि गुफ्तगु जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही है वो चलते ही रहना चाहिए, कभी बंद ना हो ये गुफ्तगु। बात हिंदुस्तान के लोग बात करें, फिर पाकिस्तान के लोग बात करें, मतलब बात से बात चलती रहनी चाहिए। और ये जो तारों भरी रात है, ये मतलब हंसती हुई ये भी चले, मतलब ये जो तारे भरी रात है वो भी देख कर हंसे, मुस्कुराए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से प्यार भरी बातें हो रही है, ठीक है। हम जो अल्फाज के हाथों में हैं संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नजरे हो तर्श अब्रुए खमदार रहे, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे, बेबसी हर्फ को जंजीर बेपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा न कर सके। इस मिसरे में जो अली सरदार जाफरी हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग आपस में जो लफ्ज़ों का यूज़ करते हैं, उनके लफ्ज़ों के हाथ में जो मतलब गाली का पत्थर होता है जो वो एक दूसरे पर फेंकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो वो गाली देते हैं, एक दूसरे को मतलब तंज छलकाते हैं, मतलब एक दूसरे पर ताने कसते हैं, ठीक है, और उसके बाद से छलकाया करे जहर के जाम यानी कि एक दूसरे पर जो जहर के जाम उगलते हैं, ठीक है, और जो तीखी नज़रों से देखते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी जब शुरू शुरू में उनके बीच गुफ्तगु होगी, तो भले ही वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, जहर के जाम उगलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से ताने कसेंगे, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये चीज़ दिल में बैठी रहनी चाहिए, ये चीज़ का हमें एहसास रहना चाहिए, ये इस चीज़ से हम मोटिवेटेड रहना चाहिए कि इसका कोई निष्कर्ष निकालना है, इसका कोई कंक्लूज़न निकालना है, ठीक है। भले ही ये शुरू में जब गुफ्तगु शुरू होगी तो शुरू में जो है एक दूसरे पर ये ताने कसेंगे, तीखी नज़रों से देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी दिल में बैठा रहना चाहिए कि इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना है, दोस्ती मतलब एक दूसरे के बीच दोस्ती कराने के लिए, भले कातिल की तरह एक दूसरे से बातें करें लेकिन उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, मतलब लिखे हैं अली सरदार जाफरी। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बेशद लफ्ज से पा आएगा, नजरें झुक जाएंगे, दिल धड़केंगे, लब खापेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएंगी, सिर्फ गुंचों की चटकने की सदा
दोबारा आएगी, ठीक है। इस मतलब बंद में बोल रहे हैं अली सरदार जाफरी कि इस ये जो शाम से गुफ्तगु चलते जा रही है तो सुबह तक ढल के कोई ना कोई हर्फ वफा आएगा, यानी कि कोई ना कोई बात निकल कर आएगी अच्छी सी प्यारी सी, ठीक है। और मतलब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं, ये एक दूसरे के बातों को रखेंगे, मतलब सुबह तक ढल कर ऐसी कोई बात आएगी जो एक दूसरे के बातों को रखेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, तो उस वक्त क्या होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी, उनके बीच जो कशीदगी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या होगा, इश्क होगा, ठीक है, इश्क आएगा, और सारे उनके बीच जो खड़खड़ाहट है, गड़गड़ाहट है, जो कुछ भी उनके बीच मनमुटाहट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और उस वक्त जो है नज़रें झुक जाएंगी और दिल धड़केंगी, लब काँपेंगे, ठीक है, और सिर्फ उस वक्त गुंजों के चटकने की यानी कि कलियों के चटकने की आवाज़ें आएंगी, ठीक है। और फिर हर्फ नवा की न ज़रूरत होगी, चश्मे व अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफ़रत उठ जाएंगी, मेहमान मुरव्वत होगी, ठीक है। बोल रहे हैं कि जब इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी इन दोनों के बीच, तो उस वक्त किसी हर्फ नवा की ना ज़रूरत होगी, यानी कि किसी को समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं होगी, समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आँखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी, नफ़रत उठ जाएगी, और सिर्फ मेहमान मुरव्वत होगी, ठीक है। सिर्फ एक दूसरे के क्या करेंगे, वो मेहमान नवाजी करेंगे, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रे गुजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून की दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। इसमें बोल रहे हैं कि हाथ में हाथ लिए यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो है वो हाथ में हाथ लिए सारा जहां को साथ लिए, दर्द का और प्यार का तोहफ़ा लिए, गुजारों से अदावत कर जाएंगे, यानी कि जो उनके बीच मनमुटाहट था, एक दूसरे के बीच जो दुश्मनी थी, उसको ये क्या करेंगे, उस दुश्मनी की रेगिस्तान को, मनमुटाहट के रेगिस्तान को वो पार कर जाएंगे, बातों में उनकी जो दरिया बहाते थे, ठीक है, उसको भी पार कर जाएंगे, और सिर्फ उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या होगा, मेहमान नवाजी होगी, सिर्फ मोहब्बत होगी उनके बीच, ठीक है। और फिर लिखे हैं, गुफ्तगु बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले, ठीक है। वही शुरू वाले बंद को लास्ट में दोहराया है कि ये जो गुफ्तगु है ये चलती रहनी चाहिए, बात से बात चलती रहनी चाहिए, और ये शाम की मुलाकात है ये सुबह तक चलती रहनी चाहिए, जब तक ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी और कशीदगी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का गुफ्तगु नाम का चैप्टर कंप्लीट, इसका मैं खुलासा कर दी। अब इसी के साथ इस चैप्टर का हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। देखिए सवाल है, आप बताएं से यानी कि आप लोगों को बताना है, लेकिन फिर भी बताती तो मैं ही हूँ। चलिए सबसे पहला सवाल है, गुफ्तगु नज़्म किस शायर की लिखी हुई है, ये जो गुफ्तगु नाम का नज़्म है, कविता है, ये कौन लिखे हैं, इसके शायर कौन है, तो वह अली सरदार जाफरी, ठीक। दूसरा सवाल है, गुफ्तगु नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है, तो हिंदो पाक की दोस्ती के नाम जो है ना अली सरदार जाफरी गुफ्तगु नज़्म को किए हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, शाम मुलाकात कब तक चलेंगी, तो जो शाम मुलाकात है वो सुबह तक चलेंगी, ठीक है। चार नंबर सवाल है, अल्फाज के हाथों में क्या है, ठीक है, तो अल्फाज के हाथों में संग दुष्नाम है, यानी कि जो अल्फाज के हाथ हैं वो एक दूसरे पर सिर्फ गाली के पत्थर फेंक रहे हैं, संग मतलब होता है पत्थर और दुष्नाम मतलब होता है गाली, ठीक है। तो अल्फाज के हाथों में जो है ना गाली के पत्थर हैं, ठीक है, जो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं। पाँच नंबर सवाल है, तंज कैसा जाम छलकाता है, तो जो तंज है वो जहर का जाम छलकाता है। चलिए छः नंबर सवाल है, तर्स अबरुए खमदार से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब होता है तीखी नजरें, तर्स अबरुए खमदार का मतलब होता है तीखी नजरें, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे पर तीखी नज़रों से देखते हैं, तीखी बोली बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ में दिखाता होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो है एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जो डिबेट चलता है आप लोग ज़रूर न्यूज़ में देखते होंगे, ठीक है। सात नंबर सवाल है, किसके चटकने की सदा आती है, तो गुंजों के चटकने की सदा आती है, यानी कि कलियों की चटकने की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। आठ नंबर सवाल है, किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है, ठीक है, तो दर्द और प्यार, दर्द और मोहब्बत के तोहफा और सौगात की बात इस नज़्म में कही गई है, ठीक है। नौ नंबर सवाल है, तारों भरी रात किस तरह चलती है, तो जो तारों भरी रात है वो हंसती हुई चलती रहनी चाहिए, इस नज़्म में कही गई है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 गुफ्तगु, ये जो नज़्म है, ख़त्म होता है। अब ज़रा हम लोग चैप्टर नंबर 13 मेरा सफ़र नाम के इस चैप्टर को समझ लेते हैं। अब ज़रा देखिए इसमें क्या बताए हैं अली सरदार जाफरी, इस मेरा सफ़र नाम के नज़्म में अली सरदार जाफरी जो है वो मौत के सफ़र को बताए
गए हैं कि मौत का किस तरह सफ़र होता है। मतलब अली सरदार जो जाफरी है वो ज़िंदगी के हर चीज़ को मतलब पार कर चुके हैं, हर सफ़र को वो पूरा कर चुके हैं। अब उनका लास्ट सफ़र है, अंतिम सफ़र है, वो है मौत का सफ़र। और वो मौत के बारे में बताएं कि जब मौत आती है तो हमें मतलब कैसा महसूस होता है, मौत के सफ़र के बारे में बताए हैं, और मौत हो जाने के बाद मतलब क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये जो मेरा सफ़र नाम के नज़्म है इसमें अली सरदार जाफरी बताए हैं। तो चलिए ज़रा इस नज़्म को भी इसका खुलासा कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें लिखे हैं अली सरदार जाफरी, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कवल कुंभलाएंगे, और बरगे जबाँ से नुत्क व सदा की हर तितली उड़ जाएगी। देखिए इसमें ये बोल रहे हैं अली सरदार जाफरी कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, मतलब वो अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ को सफ़र को ख़त्म कर ली, और फिर बोल रहे हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आँखों के दिए बुझ जाएंगे, यानी कि जो आँखों से देखने की सलाहियत है, आँखों से जो देखने की ताकत है वो ख़त्म हो जाएगा, और हाथों के कवल कुंभलाएंगे, यानी कि हाथों के जो कमल है, हाथों में जो ताकत है किसी भी काम को करने की, हाथों की जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़बान की जो पत्ती है जिससे हम बोलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं तरह तरह की, वो आवाज़ें निकालने की ताकत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये ज़बान की पत्ती, ये ज़ुबान की जो तितली है वो हमेशा के लिए उड़ जाएगी, मतलब ज़ुबान से बोलने की सलाहियत हम खो देंगे, ठीक है। एक काले समुंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी मैं पत्ती पत्ती, कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा, सर सब्ज हथेली पर लेकर शबनम की खतरे तोलूंगा, ठीक है। बोल रहे हैं इसमें अली सरदार जाफरी कि ये एक काले समुंदर की तह में, यानी कि हमको अब जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, एक काले समुंदर की तह में, यानी कि मुझे कब्र में दफना दिया जाएगा, और जब मैं कब्र में दफन हो जाऊंगा उस वक्त मिट्टी की तहों में से मैं एक तरह से कली की तरह फिर से निकलूँगा, मतलब कली के तौर पर मैं फिर से क्या करूँगा, बाहर निकलूँगा, ठीक है। और जब मैं सरसब्ज़ या फिर सरसब्ज़ की पत्ती, यानी कि लीफ बनकर, पत्ती बनकर या फिर कली बनकर फिर से जब मैं आँखें खोलूँगा तो उस पर जो शबनम की बूंदें पड़ी होंगी, शबनम जिसको गांव के लोग बोलते हैं ओस, ठीक है, तो शबनम की जो बूंदें पड़ी होंगी उसको मैं अपने हाथों पर लेकर तोलूँगा, यानी कि पत्ती जो है, पत्ती पर वो जो शबनम की बूंदें गिरी होंगी तो वो पत्ती मैं रहूँगा, ठीक है, और उस पत्ती पर वो जो शबनम की बूंदें गिरे रहेंगी उसको मैं तोलूंगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं रंग हना आहंगे गजल अंदाजे सखन बन जाऊंगा, रुखसारे उरू से नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊंगा। इसमें बोल रहे हैं कि मैं रंग हना, यानी कि मैं मेहंदी का रंग बन जाऊंगा, मैं गजल का अंदाज बन जाऊंगा, और दुल्हन के चेहरे की एक तरह से खुशी मतलब आंचल में होती है वो बन जाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसलें खजा को लाएंगी, रह रो के जवां कदमों के तले, सूखे हुए पत्ते से मेरे हंसने की सदा आएंगी। इसमें बोल रहे हैं कि जब जाड़े का मौसम आएगा, जाड़ा यानी कि सर्दी का मौसम, ठीक है, तो जब सर्दी का मौसम, जाड़े का मौसम आएगा तो उस वक्त जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी, और जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो जो पेड़ की पत्ती है वो तेज़ हवाएं चलने की वजह से नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगी, और वो ज़मीन पर गिरी हुई जो पत्ती है, जब उसी रास्ते से कोई मुसाफिर उस रास्ते से होकर गुजरेगा तो उस मुसाफिर के पैरों के नीचे वो पत्ती आ जाएगी, और जब वो पत्ती उस मुसाफिर के पैरों से लिपटेगी तो उससे जो आवाज़ आएगी वो मेरे हंसने की आवाज़ आएगी, ठीक है। ये बता रहे हैं अली सरदार जाफरी, ठीक है। आगे देखिए, धरती की सुनहरी सब नदियाँ, आकाश की नीली सब झीलें, हस्ती से मेरी भर जाएंगी, और सारा ज़माना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्तान यहाँ। बोल रहे हैं कि ये ज़मीन और आसमान की जो सुनहरी सुनहरी खूबसूरत नदियाँ और झीलें हैं, ठीक है, वो सारी जो है वो मेरी हस्ती से भर जाएंगी, उनको मैं याद आऊँगा, ठीक है, सारा ज़माना मुझे देखेगा, मुझे याद करेगा, ठीक है। ये किसको बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं अली सरदार जाफरी जो मतलब इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा काम कर, ठीक है, लोगों की भलाई किया है वो इंसान, अच्छा काम कर उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया है, तो वो मर कर भी मरता नहीं है, उसको लोग याद करते हैं, ज़माना देखता है, ठीक है, कि वो अच्छा काम कर गया है तो उसको ज़मीन और आसमान याद रखता है, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि हर आशिक है सरदार यहाँ, और हर मासूक का सुल्तान यहाँ, मतलब बोल रहे हैं कि
चाहे वो औरत हो या फिर मर्द हो, दोनों अगर अच्छा काम किया है अपनी ज़िंदगी में, भलाई किया है और फिर वो उसका इंतकाल हो गया है, तो भले ही वो इंतकाल कर गया है लेकिन उसकी जो यादें हैं उस लोगों को याद रखेंगी, लोग जो है उनको याद करेंगे, उसका अच्छा काम लोग याद करेंगे, आकाश और ज़मीन जो है याद करेंगी उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं एक गरेज़ा लम्हा हूँ अयाम के अफसोस खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है, माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। बोल रहे हैं कि मैं एक गरेज़ा लम्हा हूँ, यानी कि मैं गुजरा हुआ लम्हा हूँ, गुजरा हुआ वक्त हूँ, जिसको मतलब याद कर कर अफसोस होता है, मैं एक तड़पता कतरा हूँ जो कि मैं हमेशा सफ़र में मसरूफ़ रहता हूँ, सफ़र करता रहता हूँ और सफ़र में ही व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, मैं माजी से मुस्तकबिल यानी कि गुजरे हुए ज़माने से, ठीक है, आने वाले ज़माने तक मैं सफ़र करता हूँ। ठीक है, मैं कभी सोता हूँ तो कभी जागता हूँ, और मैं कभी सोता हूँ और कभी जागता हूँ और फिर जाग कर सो जाता हूँ। ठीक है, और ये सदियों का पुराना खेल है कि मतलब इंसान जो है मरते हैं फिर ज़िंदा होते हैं, फिर मरते हैं फिर ज़िंदा होते हैं, लेकिन इंसान वही अमर होता है जो ज़िंदगी में अच्छा काम किया हो। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम किया है वो मर कर भी अमर हो जाता है, उसकी यादें और मतलब उसकी अच्छाई उसकी भलाई जो है दुनिया याद रखती है। ये सारी चीज़ें मेरा सफ़र नाम की इस नज़्म में अली सरदार जाफरी जो है ये बताए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये नज़्म आप लोगों का कम्प्लीट होता है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम कीजिए ताकि आप लोगों का भी नाम जो है दुनिया याद रखे, अगर आप लोग नहीं रहे तब भी आपकी अच्छाई और आपकी भलाई दुनिया याद रखे। ठीक है, तो कुछ ज़िंदगी में अच्छा काम कीजिए जिसके वजह से आसमान ज़मीन भी याद रखे। चलिए इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। स्टार्ट होता है सवाल, आप बताएं इसे, आप लोगों को बताना है। सबसे पहला सवाल है, मेरा सफ़र नज़्म की हैयत क्या है। ठीक है, मेरा सफ़र कैसा नज़्म है, तो ये आज़ाद नज़्म है। ठीक है, दूसरा सवाल है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई, तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कहाँ हुई यानी कि किस जगह पर हुई, तो आप लोगों को जगह का ही नाम बताना है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर। ठीक है, तीसरा सवाल है, अली सरदार जाफरी की चार नज़्मों के नाम बताएं, अली सरदार जाफरी का कोई चार नज़्म कविता का नाम बता देना है, तो एक तो गुफ्तगु बता दीजिएगा, ये तो अली सरदार जाफरी का ही ना नज़्म है, तो गुफ्तगु, एक मेरा सफ़र, और एक बता दीजिएगा एशिया जाग उठा, और एक लिख दीजिएगा नई दुनिया को सलाम, बात ख़त्म। चलिए चार नंबर सवाल है, अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई, तो अली सरदार जाफरी की वफ़ात हुई है 1 अगस्त 2000 को, यानी कि 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, आगे देख लेती हूँ। पाँच नंबर सवाल है, उन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला, तो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था भारतीय ज्ञान 1997 ईस्वी में। ठीक है, छः नंबर सवाल है, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा, तो अली सरदार जाफरी का जो ताल्लुक है वो तरक्की पसंद तहरीक से रहा। ठीक है, सात नंबर सवाल है, अली सरदार जाफरी की दो तनकीदी किताबों के नाम बताएं। ठीक है, उनका कोई दो तनकीदी किताबों का नाम बता देना है, तो देखिए मैं तनकीदी किताबों का नाम लिखी हूँ, लखनऊ की पाँच रातें और इकबाल सनासी, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। आठ नंबर सवाल है, किस फ़ारसी शायर से मुतासर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेरा सफ़र नाम का नज़्म है ये अल्लामा इकबाल से मतलब जो कि फ़ारसी शायर थे, तो उनसे मुतासर मोटिवेट होकर अली सरदार जाफरी जो है वो मेरा सफ़र नाम के इस नज़्म को लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए नौ नंबर सवाल है, क्या शायर ने ख़ुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है, क्या शायर जो है इस मेरा सफ़र नाम के नज़्म में अपने आप को एक तड़पता हुआ कतरा बताए हैं, तो जी बिल्कुल बताए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 और 13 क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।